शाहजहाँपुर RTO ऑफिस में पुलिस अधीक्षक द्वारा छापा, दलालों पर बड़ी कार्रवाई, दो दर्जन दलाल हुए गिरफ्तार। शाहजहाँपुर RTO में पुलिस अधीक्षक द्वारा डाला गया छापा, जिसमें भोली भाली जनता से दलाल मनमाने पैसे लेकर RTO दफ्तर में कर्मचारियों को रिश्वत देकर करवाते थे काम। मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम के साथ की छापेमारी, जिसमें कई दलालों को रंगे हाथों पकड़ा गया। शाहजहाँपुर से गोविंद अवस्थी की रिपोर्ट। जो व्यवस्था है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का और इन चीज़ों का, जो सेवाएँ मूलभूत सेवाएँ जो जनता को दी जाती हैं, तो ऐसी जानकारी सतर्कता अधिष्ठान में मिल रही थी कि इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के बावजूद भी जनता से पैसे लेकर रजिस्ट्रेशन इत्यादि का कार्य RTO ऑफिस में किया जा रहा है। इसी सिलसिले में एक टीम वहाँ से आई है और उनके पास इनपुट्स हैं, उन्हीं के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। जो इसके दलाल हैं तथा उन सबको वाइंड अप किया गया है, उनको स्क्रीन किया जाएगा कौन एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व है कौन नहीं, और उसके आधार पर जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, यहाँ पर अवैध तरीके से एक ठेका भी चल रहा है जिससे अवैध वसूली लोगों से की जाती है, इसका भी संज्ञान अभी लिया जा रहा है। आपने भी बताया कि इस पर भी हम लोग जो ऐसा कार्य कर रहे होंगे विधि विधि उनके कार्रवाई। सर, पूरे लाइसेंस की फीस 1350 रुपये है और यहाँ पर 3500 रुपये लेकर, मगर 700 रुपये जो RTO साहब के अलग से जाते हैं, 300 रुपये पासिंग के जाते हैं, ये अवैध रूप से लिए जा रहे हैं। इस बात की जानकारी अभी विस्तृत रूप से की जाएगी, जो कर रहे हैं इस कार्य को उनसे की जाएगी, और जैसी भी उनसे जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे होंगे।